जय भीम साथियों, 21 अगस्त यानी भारत बंद, आरक्षण में बंटवारे और क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पूरा भारत 21 अगस्त को बंद होगा। लेकिन आपको बहुत सावधान रहना है। 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन से सीख लेते हुए आपको इस बार बहुत एहतियात बरतनी है। कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी भी तरह का नुकसान हो या आंदोलन बदनाम हो। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि भारत बंद के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं। सबसे पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है। आपको ये बात याद रखनी है कि पूरा आंदोलन हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। हमारे तमाम नेताओं ने भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की है, इसलिए आपको इस पूरे प्रदर्शन के दौरान, भारत बंद के पूरे दिन के दौरान शांति बनाए रखनी है, ये सबसे ज़रूरी है। दूसरी बात, आपको जिला मुख्यालयों के बाहर एकजुट होना है। आपको ये तय करना होगा कि आपके ज़िले का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो वहाँ पर कब इकट्ठा होना है, कि कहाँ पर प्रदर्शन करना है, या आपके संगठनों में आपसी तालमेल होना चाहिए। आपको ज़िला मुख्यालयों के बाहर एकजुट होना चाहिए। और जैसे बहन जी ने भी अपील की है कि अपने आप ज़िला मुख्यालय पर जाइए, DM को ज्ञापन दीजिए, वो काम आपको करना है। आपको राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन देना है, यानी जो धरना प्रदर्शन आप करेंगे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हो, और जिलाधिकारी, जिसको कई जगह पर DC कहा जाता है, कई जगह DM कहा जाता है, उस व्यक्ति को, उस अफसर को राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन देना है। और यही काम आपको हर ज़िले में करना है, शांति बनाए रखनी है। आपको संयमित रहना है और उकसावे में नहीं आना। पिछली बार 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में हमने देखा कि कुछ लोगों ने भड़कावे का काम किया, भड़काने की कोशिश की और लोगों को उकसाने का प्रयास किया गया, साजिश रची गई और कई जगह पर हिंसा भी भड़की, जिसमें हमारे 13 लोग शहीद हुए और हजारों लोगों पर मुकदमे दर्ज हो गए, जो आज तक मुकदमों की तारीख भुगत रहे हैं। इसलिए आपको संयमित रहना है, किसी के उकसावे में नहीं आना, शांति बनाए रखनी है। आपको भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल भी नहीं करना। जब भी आप नारे लगाएंगे, आप समाज के हित की बात करेंगे, आपको ये याद रखना है कि आपकी भाषा संयमित हो, संसदीय भाषा का इस्तेमाल करें, किसी तरह के भड़काऊ भाषण का, भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि आप जानते हैं कि कोटे में कोटे के जो फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए हैं, उसके बाद बहुजन समाज की कुछ जातियाँ भी इसका वेलकम कर रही हैं, और हो सकता है कि वो जातियाँ आपके सामने ये कहें, आपसे सवाल पूछे कि आप हमारे अधिकार के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस तरह की मैसेजिंग समाज में की गई है। इसलिए किसी भी तरह का ऐसी कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, किसी जाति या धर्म के खिलाफ भी कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हम जानते हैं हमारे अंदर गुस्सा है, लेकिन उस गुस्से को दबाए रखना है, हमको अपने गुस्से को सही दिशा में लगाना है। इसलिए जब आप प्रदर्शन करेंगे, जब आप अपने समाज के हक अधिकार की बात करेंगे, तो किसी जाति या धर्म के खिलाफ भी कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं करनी है, इस बात का खास ख्याल रखना है। वरना पिछली बार की तरह हो सकता है हमारे बहुत सारे लोगों पर मुकदमे लग जाएं और फिर वो परेशान हो। इसलिए इस बात का ख्याल रखना है कि किसी जाति या धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करनी है। पुलिस या सुरक्षा बलों से भी नहीं भिड़ना है। आपको पुलिस और सुरक्षा बल, जो कि सरकारी तंत्र का हिस्सा हैं, सरकार हो सकता है कि आपका रास्ता रोक दे, आपको ज़िला मुख्यालय ना जाने दे, या जो जगह आपने तय करी है वहाँ पर आपको जाने से रोक दे, और पुलिस के साथ हो सकता है कि टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। इसलिए ये ख्याल रखना है कि आपको पुलिस या अन्य सुरक्षा बलों के साथ में नहीं भिड़ना है। आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना मार्च निकालिए, जहाँ पर पुलिस रोक दे, जहाँ पर सुरक्षा बल रोक दे, आप वहीं पर शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठ जाएँ। किसी तरह की कोई हिंसा या एक झड़प की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देना है, इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना है। अपने संगठन या नेता के बैनर तले एकजुट रहना है। ये हमने देखा है कि बहुत बार जो हमारे समाज के लोग हैं, अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग नेता उनको एकजुट करते हैं, तो इसलिए कई बार संदेश सही से पास नहीं हो पाता, मैसेज सही से नहीं जा पाता, तो कोई अपना नेता की बात सुन रहा है, उसी में कोई किसी दूसरे की बात सुन रहा है। तो आपको ये देखना है कि आपका संगठन और जो नेता, यानी आपका जो उस समय पर लीड कर रहा होगा उस मूवमेंट को, उसकी बात सुने, आप उसकी बात को माने और डिसिप्लिन बनाए रखें, अनुशासन बनाए रखें, ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि नेता कहें कि हमको इस रास्ते पर जाना है और आप दूसरे रास्ते पर भागने की कोशिश करें। इसलिए आपको संगठित रहना है और अनुशासन में रहना है, ये बहुत ज़रूरी है।
साथ ही आपको ये भी तय करना होगा कि प्रदर्शन कहाँ होगा, कितने बजे इकट्ठा होना है, ये सब पहले से तय होना चाहिए और उसी जगह पर आपको तय समय पर पहुँचना चाहिए। तो आप अपने इलाके के लोगों से बात कीजिए, संगठनों से बात कीजिए, जो बहुजन समाज की पार्टियाँ उनसे बात कीजिए और आपसी मेल मिलाप के साथ में क्लियर मैसेज होना चाहिए कि हमें इतने बजे इस जगह पर जाना है, क्योंकि किसी भी तरह की जो स्थिति है कि आपको जानकारी नहीं है या असंगठित तरीके से प्रयास होते हैं तो उससे फिर बिखराव हो जाता है और कई बार आंदोलन को नुकसान पहुंचता है। इसलिए आपको खास ख्याल रखना है कि कहाँ इकट्ठा होना है, कब इकट्ठा होना है, आपस में बात ज़रूर करें, एक दूसरे को उसके बारे में पहले से जानकारी होनी चाहिए। ये तय करके ही आप आगे बढ़ें, ये सब पहले से तय करना चाहिए। आपको एक बात का और ख्याल रखना है कि किसी भी निजी या सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाना है। हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की औलाद हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने भारत में कानून का राज स्थापित किया, भारत में संविधान बनाया और हम संविधान को बनाने वाले के बच्चे हैं तो हम संविधान का पालन करते हैं, हम कानून की इज्जत करते हैं, हम कानून को मानते हैं। इसलिए आपको किसी भी निजी या सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाना, शांति बनाए रखनी है, अच्छे से आंदोलन करें, प्रदर्शन करें, नारे लगाएं, गाने गाएं, गीत गाएं, बहुजन मिशनरी गीत गाएं, भाषण दें, अच्छी बातें बताएं बहुजन महामहिलाओं के बारे में, महापुरुषों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके विचारों के बारे में बात करें, लेकिन किसी भी तरह का नुकसान कहीं पर भी नहीं पहुँचाना है। खास बात ये भी रखें कि किसी इमारत पर चढ़कर झंडा वगैरह ना लगाएं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे जो युवा हैं काफ़ी जोश उनका हाई होता है और जब समाज इस तरह से अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ता है तो कुछ लोगों का जोश और आगे बढ़ जाता है और वो कहीं इमारत पर चढ़कर झंडा लगाने की कोशिश करते हैं या किसी टावर पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी ना करें, शांति बनाए रखें। ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से जो बाकी लोग अन्य संगठन जो कि कानून का पालन नहीं करते हैं वो ऐसा काम करते हैं। आपने कई ऐसी तस्वीरें देखी होंगी कि वो कहीं चढ़कर झंडा लगाते हैं और अपनी अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम शांति के साथ आगे बढ़ेंगे और इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। साथ ही आपको ये भी ख्याल रखना है कि एम्बुलेंस, स्कूल बस या ज़रूरी सेवाओं में लगे वाहनों को रास्ता देना है। अगर आप जहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ से कोई एम्बुलेंस गुजर रही हो, कोई स्कूल बस गुजर रही हो या ज़रूरी सेवाओं में लगे वाहन गुजर रहे हैं तो आपको उनको रास्ता देना है, उनके लिए सहूलियत बनानी है, जनता की सहूलियत का भी ख्याल रखना है। वरना आप जानते हैं मीडिया वाले तमाम लोग आपको बदनाम करने में देर नहीं लगाएंगे और तुरंत वो बोल देंगे कि देखो एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया, स्कूल बस को परेशान किया, बच्चे थे उसमें, वो तमाम तरीके से आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपको किसी तरह की असुविधा ना हो लोगों को, ये भी आपको आपकी जिम्मेदारी है, वरना आंदोलन को बदनाम करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। इसलिए एम्बुलेंस को, स्कूल बस को, जरूरी सेवाओं में लगे वाहनों को रास्ता दें, शांति बनाए रखें। जबरदस्ती किसी की दुकान बंद ना करवाएं, ये भी आपको ख्याल रखना है, क्योंकि हमने राष्ट्रव्यापी भारत बंद की कॉल की है। तमाम संगठन इसमें शामिल हैं लेकिन बहुत से संगठन शामिल नहीं है और इसमें किसी की दुकान अगर खुली हुई है, आपने वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं या कब प्रदर्शन करना है और वहाँ पर कुछ दुकानें, मॉल, किसी भी तरह की कोई भी व्यापारिक गतिविधि हो रही है तो उसको ज़बरदस्ती बंद ना कराएं। अगर आप चाहते हैं कि वो आपका साथ दें तो आप उनसे प्यार से बात कर सकते हैं, आप उन्हें समझा सकते हैं और बता सकते हैं कि हम क्यों आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों ज़रूरी है कि समाज के अधिकार के लिए हम लोग सड़क पर उतरें और संसद तक की इस जाने की, सड़क से संसद तक इस बात को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उन्हें समझा सकते हैं, वो आपकी बात माने तो ठीक है, नहीं माने तो कोई बात नहीं, उनको अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। इसलिए ज़बरदस्ती किसी की दुकान बंद ना कराएं, इस बात का भी खास ख्याल रखें और साथ ही प्रदर्शन में किसी भी तरह के हथियार ना लाएं। ये आप जानते हैं पिछली बार हमारे लोगों को बदनाम किया गया कि उनके हाथ में तमंचे थे, पिस्तौल थी और वो ग्वालियर से वो तस्वीरें आई, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आई जिसमें जो दूसरे समाज के लोग थे उनके हाथों में हथियार थे और उन्होंने हमारे लोगों पर फायरिंग की थी, लेकिन हमारे लोगों को बदनाम किया गया। किसी भी तरह के हथियार प्रदर्शन में ना लेकर आएं, शांति बनाए रखनी है, हमें शांतिपूर्ण तरीके से काम करना है, क्योंकि कुछ लोग तो बैठे हुए हैं कि आप जरा सी गलती करें और आपके ऊपर लाठी चार्ज कर दें, आपके आंदोलन को बदनाम कर दें, आपको पकड़ के जेलों में डाल दें, आप पर मुकदमे लाद दें। इस तरह की मनुवादी हमेशा साजिशें करते रहते हैं, इसलिए आपको उनसे बचना है। किसी भी तरह के हथियार प्रदर्शन में शामिल ना करें, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है,
एक सांकेतिक प्रदर्शन है, इसलिए इस बात का ख्याल रखें। आपको अपने साथियों को भी काबू में रखना होगा, अपने साथियों को काबू में रखें, क्योंकि जब जोश होता है, जज्बा होता है, तो कई बार वो हिलोरे मारती हैं भावनाएं, और कई बार डिसिप्लिन थोड़ा सा छटक जाता है, अनुशासन से लोग बाहर चले जाते हैं। इसलिए आपको अपने साथ साथ अपने आसपास के साथियों को भी काबू में रखना है, उनमें शांति बनाए रखनी है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमको संगठित रहना है, अनुशासित रहना है, इस बात का ख्याल रखना है। आपसी एकता भी बनाए रखें। कई बार होता है कि एक संगठन का बैनर दूसरे संगठन के बैनर के सामने आ गया, फोटोज़ के सामने आ गई और आपस में कहासुनी हो गई, तो ये बात ना हो। आपसी एकता बनाए रखें कि हम एक समाज के लोग हैं, दलित बहुजन समाज, आदिवासी समाज के लोग मिलकर इसको आंदोलन को लीड कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की कोई आपसी टकराव की स्थिति ना बने, आपसी एकता बनाए रखें, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। साथ ही मेरी आपसे अपील है कि आप इस पूरे आंदोलन के दौरान सावधान रहें और सतर्क रहें। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि 2 अप्रैल 2018 जैसे आंदोलन में जो कुछ ऐसी अनवांटेड सिचुएशंस पैदा हुई थी, वैसे इस बार ना हो सके। इसलिए आपको अलर्ट रहना है, आपको सावधान रहना है कि कुछ भी गड़बड़ी दिखे, कुछ भी गलत होता दिखे, तो तुरंत एक्शन लें और अपने लोगों को अनुशासन में रखें। सावधान रहने की, सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। आपको असामाजिक तत्वों की पहचान भी करनी होगी। हो सकता है कि आपके साथियों के भेष में नीला गमछा डाल के, नीली टोपी लगा के कोई कुछ ऐसे असामाजिक तत्व घुस जाएं जो कि लोगों को उकसाने का काम करें, लोगों को भड़काने का काम करें, या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें जिससे स्थिति खराब हो। तो उन ऐसे लोगों को असामाजिक तत्वों की पहचान करें, उन्हें अपने आंदोलन से बाहर करें और उनको कहें कि आप जाइए, हमारे आंदोलन में शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे असामाजिक तत्व जो हैं आपको बदनाम करने की साजिश रच सकते हैं। हो सकता है कि आपके अंदर घुस के, भीड़ का हिस्सा बन के वो कुछ ऐसे काम करें जो हमारे आंदोलन को बदनाम कर सकते हैं, कलंकित कर सकते हैं। इसलिए हमें असामाजिक तत्वों की पहचान भी करनी है और आपको अफवाहों से दूर भी रहना है। आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, जब बहुत खबरें ऐसी आती हैं कि जिसकी वेरिफिकेशन करना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर अफवाहें बहुत उड़ती हैं। हो सकता है कि अफवाह इस तरह की फैला दी जाए कि वहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, वहाँ पर किसी के साथ कुछ हो गया और आप जो है तैश में आ जाएं, गुस्से में आ जाएं। नहीं, आपको वेरीफाई करना है, फिर भी शांति बनाए रखनी है, कानून का पालन करना है, किसी भी तरह की अफवाह से दूर रहना है, एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए रखें, फ़ोन कॉल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, और जो कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है उसी पर यकीन रखें। किसी भी तरह की र्यूमर्स पर, अफवाहों पर भरोसा नहीं करना है और कोई भी ऐसा नहीं करना है जिससे यह आंदोलन खराब हो। हमें इस आंदोलन के जरिए अपनी मांग मनवानी है, सरकार को यह कहना है कि आपको हमारे हक अधिकार की रक्षा करनी होगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर संसद में कानून लाना होगा, हमारी ये मांग है। इसलिए हमें तमाम तरीके की अफवाहों से दूर रहना है। आखिरी मेरी अपील आपसे है कि आपको बहुजन आंदोलन को, इस बहुजन आंदोलन को कामयाब बनाना है, ऐतिहासिक बनाना है। 2 अप्रैल 2018 का जब आंदोलन हुआ, उस समय कोई नेता नहीं था, कोई चेहरा नहीं था, कोई संगठन नहीं था जिसके बैनर तले बहुजन समाज एकजुट हुआ हो। लेकिन इस बार भी हमारे बहुत सारे जो नेता हैं, उन्होंने जनता के मूड को भांपते हुए, जनता के आक्रोश को भांपते हुए उनका साथ देने की कोशिश की है, अपील की है कि वो उसमें शामिल होंगे। इसलिए आपको पुराने आंदोलन की तरह, कि 2 अप्रैल 2018 का जैसा ऐतिहासिक आंदोलन हुआ उसी की तरह कामयाब बनाना है, लेकिन वैसे हिंसा ना हो, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है। अपने आसपास के लोगों को समझाएं, अपने संगठनों के साथ तालमेल बनाए रखें, अपने नेताओं की बात सुनें, बहुजन समाज के जो ईमानदार लोग हैं उन पर भरोसा करें, उनके साथ आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे अपने आंदोलन के लिए हमको ही जिम्मेदारी उठानी होगी। लोग हो सकता है बदनाम करने के लिए तमाम साजिशें रचें, लेकिन मुझे यकीन है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की संतानें, उनकी मानस संतानें कानून का पालन करेंगी, शांति बनाए रखेंगी, तथागत बुद्ध के रास्ते पर चलते हुए किसी भी तरह का ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे आंदोलन खराब हो, कलंकित हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी कुछ आइडियाज़ ले सकें, वो भी संयमित रहें, और बहुत ज़रूरी है कि आपस में हम कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से संवाद करें। कल दिन भर हम इस भारत बंद की कवरेज हमारे चैनल पर जारी रखेंगे। आप भी जो लोग हैं वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर उसको शेयर करें और हमारे वीडियो को अन्य लोगों के साथ आगे बढ़ाते हुए द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।
साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।